नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए फाइजर और मॉडर्ना कोविड 19 टीकों को मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से मतदान किया कि इन टीकों की खुराक के लाभ 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी भी जोखिम से अधिक है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के युवाओं से हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने और रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने अब तक 9 ट्रेनों को आग के हवाले किया। रेलवे के अनुसार 200 से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। निर्वाचन आयोग ने करीब 2 दशक पहले के एक प्रस्ताव पर फिर से अमल करते हुए सरकार से कहा है कि एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित करने के लिए कानून में संशोधन हो और यदि ऐसा नहीं किया जा सके तो इस चलन पर अंकुश लगाने के लिए भारी जुर्माने को प्रावधान किया जाए। पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल जारी है। कहीं युवाओं ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है जिससे ट्रेन प्रभावित है, तो कहीं सड़क पर बैठे आवाजाही रोक दी गई है। कहीं कहीं तो युवाओं ने बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं और पथराव भी किया है। पूर्वांचल के खिलाड़ियों को अब खेलने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही खेल प्रेमियों को वाराणसी में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच देखने को मिलेंगे। वाराणसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंडोर स्टेडियम की जल्द ही सौगात मिलने जा रही है। सिग्रा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में 87 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम बनेगा, जहां करीब 20 से अधिक इंडोर गेम खेले जा सकेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में अपने आईपीएल मीडिया अधिकारियों को अगले 5 साल के लिए नीलाम किया है और 48,390.32 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके बाद अब आईसीसी की बारी आ गई है और वो भी अब अपने मीडिया अधिकारियों को बेचने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद अब आईसीसी की बारी आ गई है। कांग्रेस ने पवन खेड़ा को अपने न्यू कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के मीडिया एंड पब्लिसिटी सेल का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मंजूरी से पवन खेड़ा को यह जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी किए गए पत्र में यह जानकारी दी गई। पवन खेड़ा के लिए यह प्रमोशन माना जा रहा है। दरअसल पवन खेड़ा खुद को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने का दावा कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह मौका नहीं मिला था। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ दल और विपक्षी खेमे दोनों में विचार विमर्श चल रहा है। ऐसे में लगता है कि भाजपा कुछ नामों तक सिमट कर रह गई है। सूत्रों ने कहा है कि पार्टी घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को ध्यान में रखते हुए विकल्पों पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने शुक्रवार को इस आशय की 4 अधिसूचनाएं जारी की है। इसके तहत आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के अलावा सेवा मतदाताओं के लिए मतदाता सूची को लैंगिक निष्पक्ष बनाने, युवा मतदाताओं को साल में 1 के बजाय 4 बार मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का मौका मिलेगा। सरकार ने भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। भारत में बहुत जल्द 5G सेवाएं उपलब्ध होने वाली है। कहा जा रहा है कि इस साल की दिवाली तक हमें 5G सेवाओं का तोहफा मिल सकता है। 5G नीलामी 26 जुलाई 2022 को आयोजित की जानी है। ये नीलामी 72 GHz से ज्यादा स्पेक्ट्रम की 20 साल की वैधता अवधि के साथ होगी। व्हाट्सएप लगातार कोई ना कोई नए फीचर्स को रोल आउट करता रहता है। पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप में बहुत सारे नए फीचर्स को शामिल किया गया है। व्हाट्सएप यूजर के प्राइवेसी कंट्रोल को भी लगातार बेहतर करता जा रहा है और इसी कड़ी में कंपनी ने यूजर को प्राइवेसी सेटिंग्स में ग्रैनुलर कंट्रोल का ऑप्शन देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन मोदी आज शनिवार को 100 साल की हो गई है और प्यार से उन्हें लोग हीराबा कहते हैं। हीराबा अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ गांधीनगर में रहती है। शनिवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ का जन्मदिन मनाने के लिए गांधीनगर स्थित अपने आवास पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने माँ का चरण पखार कर आशीर्वाद किया। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात की आज 2 दिवसीय दौरे पर भी है। 113 दिनों में ये पहली बार है जब देश में संक्रमण के 13,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में संक्रमण से 23 और लोगों की जान गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,840 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13,216 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8,148 लोगों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना से 23 लोगों की जान गई है और अब देश में एक्टिव केस 68,108 हो गया है। हाल ही में मोदी सरकार ने सेना भर्ती में बड़ा बदलाव किया है, जिसके लिए अग्निपथ स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा, फिर उन्हें एक निश्चित फंड देकर रिटायर कर दिया जाएगा। इस योजना का देश भर में विरोध हो रहा है, साथ ही राजनीतिक दल भी युवाओं के समर्थन में आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार 21 से बढ़ाकर 23 साल करने के प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से बड़ी संख्या में देश के युवाओं को फायदा होगा, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों में सेना की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। अग्निपथ योजना को लेकर जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने अर्धसैनिक बल CAPF और असम राइफल्स में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 10% सीटों को आरक्षित करने का निर्णय लिया है।
दिवालिया हुई अमेरिकी कॉस्मेटिक कंपनी रेवलॉन इंक को रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद सकती है। खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस पर विचार कर रही है। हाल ही में रेवलॉन इंक ने कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से कंपनी ने बैंक्रप्सी के लिए आवेदन दायर किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को युवाओं से हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने और रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं से अपील करते हुए कहा कि रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है। दिल्ली के बस टर्मिनल को अत्याधुनिक तकनीकी के जरिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के तौर पर विकसित किया जाएगा। शुक्रवार को डीटीसी और डीएमआरसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की मौजूदगी में डीएमआरसी के परियोजना निदेशक डीके सैनी और डीटीसी के सीजेएम ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यूरोप में भारतीय आमों के लिए एक बाजार ढूंढने के उद्देश्य से मैंगो फेस्टिवल का आयोजन ब्रुसेल्स में कर दिया गया है और जिसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। बता दें कि भारत विश्व में आमों का एक प्रमुख निर्यातक है, परंतु ज्यादातर आम मध्य पूर्व के देशों में निर्यात किए जाते हैं। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय संघ में भारतीय राजदूत संतोष झा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूरोपीय बाजार में भारतीय आम की विशाल क्षमता है। यूरोप में भारतीय आमों के लिए बाजार की अपार संभावनाएं हैं। बिहार को टूरिज्म फ्रेंडली बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी क्रम में अब एक नया प्रस्ताव सामने आया है। प्रस्ताव के तहत अब बिहार में सभी पुरातात्विक स्थल और स्मारकों को ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जो टूरिस्टों को अन्य राज्यों के पर्यटक क्षेत्रों पर नहीं दी जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिए अभी तक सरकार कुछ समय अंतराल पर नया वेतन आयोग लागू करती है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन मोदी सरकार अब नया वेतन आयोग लागू करने के बजाय सैलरी बढ़ाने के लिए दूसरा फॉर्मूला लाने की तैयारी में है। सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना के खिलाफ ट्रेनों में आगजनी, सार्वजनिक और पुलिस के वाहनों को आग लगाने की घटनाओं के बीच गुरुवार को सरकार ने साल 2022 के लिए इस प्रक्रिया के तहत भर्ती की उम्र पूर्व में घोषित 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी। सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर के लिए जुलाई का महीना कुछ बड़े बदलाव लाने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2022 से कार्ड लेन देन का टोकन शुरू करने की घोषणा की। आरबीआई के अनुसार टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजैक्शन को अधिक सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन पेमेंट ओरिजिन कार्ड डिटेल मर्चेंट के साथ शेयर नहीं की जाती है। यहां वो सब कुछ है जो आपके क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के जरिए किए गए ऑनलाइन पेमेंट के बारे में जानना चाहिए। सेना के अग्निपथ योजना को लेकर अभ्यर्थियों का पूरा देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन से बिहार और झारखंड भी अछूता नहीं है। बिहार के कई जिलों में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है और भारी मात्रा में ट्रेन और बसों को आग के हवाले कर दिया। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। देश में अग्निपथ को लेकर भावी अग्निवीरों ने जिस तरह सरकारी संपत्तियों को अग्नि के हवाले किया, उसके बाद केंद्र सरकार ने भी योजना में कुछ बदलाव करने का मन बना लिया है, जिसमें एक बड़ा फैसला इसकी अधिकतम उम्र सीमा से है। जहां पहले सिर्फ 21 साल तक के युवा ही इसके लिए आवेदन कर सकते थे, वहीं अब इसमें 2 साल और बढ़ा दिए गए हैं। अब 23 साल के युवाओं को भी अग्निवीर बनने का मौका मिल सकेगा। सितंबर 2021 में सरकार की तरफ से राज्य और केंद्रीय करों और लेवी से छूटे योजना में बदलाव से भारत के कपड़ा निर्यातक के सामने कई कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं। इससे देश के कपड़ा उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और लगभग 30 लाख लोगों का रोजगार प्रभावित हो सकता है। भारत वर्तमान में 44 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है, जिसमें से परिधान और वस्त्र निर्यात का हिस्सा करीब 16 अरब डॉलर है। अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों की खुदाई का काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके अनुसार स्वतंत्रता दिवस तक तालाबों का कामकाज पूरा करा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 19 जून को प्रगति टनल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 5 अंडरपासों का भी उद्घाटन करेंगे, लेकिन इस योजना का 6वां अंडरपास यातायात के लिए बाद में खोला जाएगा। इस टनल के खुलने से रिंग रोड के रास्ते नई दिल्ली क्षेत्र में आना जाना अब आसान हो जाएगा। पीएमओ के अनुसार पीएम मोदी रविवार की सुबह 10:30 बजे उद्घाटन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को देश के लिए भुगतान के तरीकों पर एक दृष्टिकोण पत्र भुगतान दृष्टि 2025 जारी किया है और कहा है कि इस उद्देश्य से प्रत्येक उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई भुगतान विकल्प प्रदान करना है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है दिलीप राम, नीतीश कुमार, प्रिया यादव ऑफिशियल, प्रीति कुमार, इनुनू कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, चंद्रमोहन कुमार, रंजीत मिश्रा। इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अग्निपथ को लेकर हो रहा विरोध कितना सही है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।